हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ राजेश शर्मा। आज अपना टॉपिक है एनिमल किंगडम। हम पूरा का पूरा टॉपिक एनसीईआरटी से ही कवर करेंगे और बिल्कुल बेसिक से चलेंगे। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ बेसिक फीचर्स होते हैं एनिमल किंगडम के, वो जान लेने चाहिए। जैसे कि इनकी जो बॉडी है वो बहुत सारे सेल से बनी होती है, इसलिए इनको क्या कहेंगे, मल्टी सेलुलर। ठीक है। अब इनकी जो बॉडी है वो जिस सेल से बनी होती है, सेल का टाइप क्या होगा, तो सेल का टाइप बताइए, सेल टाइप मींस यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। तो यहाँ देखें, यूकैरियोटिक होता है, ठीक है, क्या होता है, यूकैरियोटिक। तो एनिमल किंगडम जो है सबके सब यूकैरियोट्स होते हैं। फिर उसके बाद बताइए, क्या एनिमल किंगडम है इसमें सेल वॉल होती है, नहीं होती है। तो याद रखना ये बात, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, सेल वॉल जो है यहाँ एब्सेंट होती है और इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, अब नहीं होना। उसके बाद में, अब सेल वॉल नहीं होती तो फिर क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट, और यही क्या हो जाती है, आउटर मोस्ट। ठीक है। फिर उसके बाद बताइए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है या नहीं होती है, होती है, बिल्कुल होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट। ठीक है। देन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है, सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के आसपास जो मेम्ब्रेन होती है उसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, ये सब के सब एनसीईआरटी में सेकंड चैप्टर में। फिर उसके बारे में आप बताइए कि एनिमल किंगडम के जो ऑर्गेनिज्म है वो हेटरोट्रोपिक और ऑटोट्रोपिक। हेटरोट्रोपिक हेटरोट्रोपिक मतलब क्या होता है, जो अपने खाने के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करे। जितने भी एनिमल किंगडम के ऑर्गेनिज्म है सब प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ठीक है। फिर अगर कोई क्वेश्चन पूछ ले हमसे कि प्रिमेटिव यूनिसेलुलर एनिमल बताओ या प्रिमेटिव मल्टी सेलुलर एनिमल बताओ, तो आंसर क्या होगा, देखें, प्रिमेटिव यूनि सेलुलर पूछा उसने एनिमल, तो हमारा आंसर क्या होगा, उसने पूछा प्रिमिटिव मल्टी सेलुलर एनिमल क्या होगा। ये एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन मे भी कभी पूछ ले। तो प्रिमिटिव यूनिसेलुलर एनिमल जो है उसका नाम हो जाएगा प्रोटोजोवा। क्या हो जाएगा, प्रोटोजोवा। प्रिमिटिव मल्टी सेलुलर का क्या हो जाएगा, तो हम याद रखना पोरीफेरा। क्या हो जाएगा, पोरीफेरा। और पोरीफेरा को एक और नाम से जानते हैं, उसका नाम है स्पॉन्ज। ठीक है, स्पॉन्जेस। आया समझ में, ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर एनिमल किंगडम के जो हमें याद होने चाहिए। ठीक है, सब एनसीईआरटी में है। अब हमें आगे पढ़ना है कि एनसीईआरटी ने बोला है कि एनिमल किंगडम जो है उसको अलग अलग फाइलम में क्लासीफाई किया है, तो उसके बेसिस बताओ। तो हमें कुछ बेसिस याद होने चाहिए कि क्या क्या बेसिस था एनिमल किंगडम को क्लासीफाई किया फाइलम में। तो पहला देखें, ऑर्गेनाइजेशन या फिर अरेंजमेंट ऑफ सेल्स। ठीक है, इसका मतलब क्या हो, मैं साथ साथ पॉइंट को एक्सप्लेन कर देता हूं और आगे भी डिटेल में आएगा, लेकिन मैं यही कर देता हूं। ऑर्गेनाइजेशन एंड अरेंजमेंट ऑफ सेल मीन्स, जैसे कि हमने देखा है कि सबसे पहले सेल बनता है, सेल आपस में जुड़ के टिश्यू बनते हैं, टिश्यू आगे जाके ऑर्गन बनता है, ऑर्गन आगे जाके ऑर्गन सिस्टम बनता है। तो इस तरह से क्या होता है, अरेंजमेंट हो रहा है सेल का। तो यहाँ पर एक लेवल ये बताया गया है, मीन्स एक बेसिस है कि ये देखेंगे हम। दूसरा, बॉडी सिमेट्री। बॉडी सिमेट्री मीन्स, व्हाट इज सिमेट्री, सिमेट्री मीन्स होता है किसी भी बॉडी को मैं किसी एक प्लेन से भी काटता हूँ तो टू इक्वल हाफ में कट जाए, तो उसको कि जब इक्वल हाफ मिल रहे हैं हमें, तो उसका मतलब क्या, वहाँ पे सिमेट्री है। अगर कोई भी बॉडी नहीं कट पा रही है इक्वल हाफ में तो वो एसिमेट्रिक है। तो यहाँ पर बॉडी सिमेट्री जो है ये दो टाइप के, कोई सिमेट्री है, कोई सिमेट्रिक है, और एक कोई है जो एसिमेट्रिक है। अब सिमेट्री के भी फर्दर कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे कि रेडियल और बायलेटरल, इसको हम अभी नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे डिटेल में आगे। फिर तीसरा उन्होंने बोला है नेचर ऑफ सिलोम,
नेचर ऑफ सिलोम, ठीक है। अब क्वेश्चन आया कि सिलोम क्या होता है, ये भी आगे है लेकिन अभी बता देते हैं कि सिलोम क्या होता है। देखो हर बॉडी है उसमें कुछ ना कुछ कैविटी होती है, द बॉडी कैविटी विच इज लाइंड बाय मेसोडर्म इज कॉल्ड सिलोम, ठीक है। इसको हम आगे देखते हैं अभी। फिर चौथे नंबर पे आता है सर्कुलेशन। क्या आता है? सर्कुलेशन, मतलब ये भी बेसिस है कि एनिमल किंगडम को क्लासिफाई करने के लिए। अब सर्कुलेशन कैसे है, तो सर्कुलेशन भी याद रखना दो टाइप का, एक तो होता है ओपन टाइप का, एक होता है क्लोज टाइप का, ठीक है। ओपन टाइप का और क्लोज टाइप का, ओपन टाइप है तो ओपन टाइप में आर्टरीज वेंस नहीं होती है, और क्लोज टाइप का उसमें आर्टरीज वेंस होती है, ठीक है। अब ओपन टाइप का क्या हो गया, जैसे कि एक एग्जांपल बताता हूं मैं ओपन का, कॉकरोच ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, और क्लोज का हम बताऊं तो मैं हम अपन ही ले लेते हैं ह्यूमंस, ठीक है। ये क्वेश्चन आ चुका है नेट में, ठीक है। अब कॉकरोच का कैसे, जैसे मान लो कि मैं कॉकरोच हूं, ठीक है, मेरे हार्ट में से क्या हुआ, हार्ट में से ब्लड पंप हुआ, पंप होने के बाद क्या होना चाहिए, आर्टरीज वेंस होती तो उसमें जाता, लेकिन कॉकरोच है तो कॉकरोच में आर्टरीज वेंस नहीं होती है, तो डायरेक्टली शरीर में जाएगा और सेल्स और टिश्यू के पास जाके टकराएगा, और हम देखने पे ऐसा लगता है कि सेल्स और जो टिश्यू है वो खून में नहा रहे हैं, ठीक है। इसलिए एनसीईआरटी में लिखा है डायरेक्ट सेल्स एंड टिश्यू डायरेक्टली बाथ इनटू द ब्लड, ठीक है। उसके बाद ह्यूमंस में देखा जाए, जैसे कि हम हैं तो अपन में क्या होता है, आर्टरीज और वेंस होती है, तो उसमें क्या, हार्ट से पंप होगा ब्लड और आर्टरीज वेंस में चला जाएगा और सर्कुलेशन होता रहेगा। आगे ये सर्कुलेशन हो गया, फिर उसके बाद बात करते हैं हम डाइजेशन की, ठीक है। अब डाइजेशन की बात करते हैं, डाइजेशन भी दो टाइप से हो सकता है, या तो हो सकता है इंट्रासेलुलर, या हो सकता है इंटरसेलुलर। अब इसका मतलब क्या, इंट्रा और एक होता है इंटर, बस ये याद रखना है। कहीं भी इंट्रा मतलब होता है अंदर, इंट्रा मतलब होता है अंदर, सेल के अंदर डाइजेशन, इंट्रा सेलुलर, इंट्रा मतलब अंदर किसके, सेल के, इंटर मतलब बाहर, सेल के बाहर। तो ऐसे याद रखना हमें, इंट्रा सेलुलर मतलब सेल के अंदर, इंटर मतलब सेल के बाहर, डाइजेशन होना किसका, न्यूट्रिएंट्स का, जो ऑर्गेनिज्म खाएगा, ठीक है। अभी ये हर फाइलम में अलग अलग से आएंगे, हम इनको और डिस्कस करेंगे, अभी बस नॉर्मली तुम्हारे माइंड में बैठ जाए इसलिए डिस्कस कर रहा हूं। फिर आता है रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन। अब भैया हमें पता है बचपन से पढ़ रहे हैं रिप्रोडक्शन कितने टाइप के, दो टाइप के, सेक्सुअल एंड असेक्सुअल, ठीक है। तो दो टाइप के हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा सेक्सुअल और एक हो जाएगा असेक्सुअल। अब अलग अलग फाइलम में किसी में सेक्सुअल होता है, किसी में असेक्सुअल होता है, किसी में दोनों ही हो जाते हैं, ठीक है। ये दोनों हो जाते हैं, ये हम देखेंगे, अभी सिलेंट टर्म आएगा एक एग्जाम्पल, वो मैं बता दूंगा, ठीक है। अभी इतना है, ये हमें याद होना चाहिए किस किस बेसिस पे एनिमल किंगडम को क्लासिफाई किया है इनटू वेरियस फाइलम, ठीक है। अब हमें आगे चलने से पहले, सबसे पहले कुछ फाइलम है उनके हमें नाम याद होने चाहिए, ठीक है। नहीं तो बहुत सारे को तो फाइलम तो याद नहीं है, वो पूरी एनसीईआरटी पढ़ने चले हैं, याद रहो। जैसे कि सबसे पहला है पोरीफेरा, फिर उसके बाद में याद रखना आप सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेटा, फिर उसके बाद याद रखना आप टीनोफोरा, याद करना है इनको, ठीक है। फिर उसके बाद है प्लेटी एलमेंटिस, फिर उसके बाद में है एस्की एलमेंटिस, स्पेलिंग का देख लेना भैया, ठीक है। उसके बाद में एस्की एलमेंटिस के बाद में आएगा एनिलिडा, उसके बाद में आएगा आर्थ्रोपोडा, उसके बाद में आएगा मोलस्का, इसके बाद में आएगा इकाइनोडर्मेटा, इसके बाद में आएगा हेमिकोडेटा, उसके बाद में आएगा कोडेटा। टोटल 11 है ये,
एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह, ठीक है, ये याद होना चाहिए तभी अपन चैप्टर स्टार्ट करेंगे आगे, ठीक है। अब इसके बाद में मुझे देखना है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो नेक्स्ट टॉपिक है एनसीईआरटी में वो क्या है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, क्या है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, जैसे कि क्या होता है, जो फाइलम है ना, उन फाइलम को अलग अलग लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में बांटा गया है। जैसे कि सबसे पहले है प्रोटोप्लाज्मिक लेवल, फिर उसके बाद में आएगा सेलुलर लेवल, फिर उसके बाद में आएगा टिश्यू लेवल, फिर आएगा ऑर्गन लेवल, ठीक है, इसके बाद में आएगा ऑर्गन सिस्टम लेवल, आया समझ में। तो ये कुछ लेवल्स हैं जिनमें अलग अलग फाइलम को डिवाइड किया गया है। अब प्रोटोप्लाज्मिक लेवल है तो इसमें कौन आता है, ठीक है, तो याद रखना इसमें आएगा हमारे पास प्रोटोजोआ, ठीक है। सेलुलर लेवल है, इसमें आएगा पोरीफेरा, ठीक है, पोरीफेरा का एक और नाम क्या है, स्पॉन्ज। फिर आएगा टिश्यू लेवल, टिश्यू में आएगा सिलेंट्रेटा, याद रखना सिलेंट्रेटा का एक और नाम है, उसको बोलते हैं निडेरिया, निडेरिया, ठीक है, सी साइलेंट होता है। एक और होता है टिश्यू लेवल में, उसको बोलते हैं टीनो फोरा, इसमें भी सी साइलेंट होता है। ऑर्गन लेवल जो उसमें आएगा प्लेटी हेलमेंथिस, ठीक है। उसके बाद में ऑर्गन सिस्टम जो है यहां आएगा एसके हेलमेंथिस टू कोर डेटा। तो अब यहां कौन आता है, मैंने अभी तुम्हें फाइलम बताया, याद कर लेना। और ये लेवल हमें याद होने चाहिए कि प्रोटोप्लाज्मिक लेवल है तो इसमें कौन आता है, सेलुलर लेवल है तो इसमें कौन आता है, इतना एनसीईआरटी में ये मैंने अलग से लिखाया है, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको पूरा का पूरा, कौन से लेवल में कौन आते हैं। और एक और चीज याद रखना, जब हम पोरीफेरा से लेके कोर डेटा तक जाते हैं तो एक चीज तो इवोल्यूशन हो रहा है, इवोल्यूशन के साथ साथ में एक चीज याद रखना, कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीजेस, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्सिटी जो है पोरीफेरा से लेके मींस प्रोटोजोआ से लेके कोर्डेटा तक बढ़ रही है, ठीक है। तो ये हमें याद रखना है कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, इसमें कौन कौन कहां आते हैं। थैंक यू।